दोस्तों, बैकडेट डिग्री के ऊपर कई बार कुछ ऐसी इंक्वायरी आपकी आती है जिसके लिए वैसे तो मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको यही जानना है कि बैकडेट डिग्री होती क्या है या बैकडेट डिग्री में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं उसके ऊपर, तो उसी पे लेकर मेरे पास लगातार कभी ना कभी कॉल्स आती रहती है। और कॉल्स में जो होता है कि बेसिकली जो भी आप मेरे को कॉल करते हैं वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे को ही कन्विंस करना चाह रहे हो कि आप बैकडेट डिग्री कर लीजिए या फिर करवा दीजिए, जबकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ बैकडेट डिग्री नहीं लेनी चाहिए। रीज़न ये है, मान के चलिए आप 10th फ्लोर की किसी बिल्डिंग पे 10वें फ्लोर पर हो और वहाँ से अगर आपको नीचे आना हो तो अगर आपको कोई बोले कि आपको सीधा वहाँ से छलांग लगा दीजिए या जंप कर दीजिए, तो क्या आप जंप करना पसंद करेंगे? बैकडेट डिग्री सेम उसी तरीके से है कि एक तरह से आप एक शॉर्टकट अपना रहे हैं, लेकिन अगर 10th फ्लोर की बिल्डिंग से आप जंप लगाएंगे तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा। अब अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मेरे एक दोस्त ने की थी, वो तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल सेफ़ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सेफ़ है तो आप भी सेफ़ रहें। तो जो प्रोसेस होता है कि कभी भी हम ग्रेजुएशन करते हैं या फिर हम मास्टर करते हैं तो ये जेन्युइन वे होता है। जेन्युइन वे हमेशा ये होता है कि आप नॉर्मल तरीके से जाइए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप कि आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद आई कार्ड आएगा, आपका स्टूडेंट लॉगिन बनता है और जेन्युइन तरीके से इस तरीके से 3 साल का कोर्स है तो प्रॉपर 3 साल में करिए, अगर 2 साल का है 2 साल में। और जो कॉल्स करते हैं उनको कितना भी कह दें, क्योंकि कन्विंस करने के लिए भी जब मेरे पास भी कॉल करते हैं तो सर मेरा एक जानकार है जो कि मुझे बैकडेट डिग्री दे रहा है और वहाँ पर क्या है कि वो मुझे बोल रहे हैं सर RTI वेरीफिकेशन हो जाएगी, जो कि बाद में वो कहते हैं नहीं हो रही है, ऑनलाइन डिटेल्स आ रही है सर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में हट जाती है, या फिर वो बोलते हैं कि सर फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए भी वो बोल रहे हैं वहाँ से हो रही है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे के साथ उछकर वही सेम चीज़ आपके साथ हो। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि दो जिसके भी थ्रू आप कर रहे हैं वो कितने जेन्युइन है, क्या वो सच में आपको देने जा रहे हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ हमेशा होती है कि बैकडेट डिग्री के लिए मैं जितनी भी मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने कहा है कि हमेशा मेरे पास कॉल आएगी कि सर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर की, वहाँ से मेरी डिटेल ऑनलाइन शो हो रही है, सर आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ से मेरी डिटेल ऑनलाइन शो हो रही है, या CCS यूनिवर्सिटी है उससे शो हो रही है, और इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो नाम गिनवाते हैं। बट क्या वो सच में वहाँ पर है, क्या उन्होंने जाकर देखा है, क्या आपने कभी भी वहाँ से मार्कशीट लेने के बाद कभी यूनिवर्सिटी में विजिट किया है? अगर आप यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे और वहाँ पर अगर वो आपकी मार्कशीट को फ्रॉड पाया गया तो बिलीव मी आपके ऊपर एक FIR यूनिवर्सिटी हाथों हाथ कर देगी, एकदम से आपको अरेस्ट करवा दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपका फंसना 100% तय है। अब इसमें भी क्या होता है कि मेरे पास अगर मैं आपको बोलूँ 12 साल से मैं इसी चीज़ में एजुकेशन फील्ड में अगर काम कर रहा हूँ तो हमारे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती है जो कि अलग अलग स्टेट से होते हैं जो हमें ऑफर करते हैं सर 1500 रुपये लगेंगे, सर 2000 रुपये लगेंगे, हम ऑनलाइन शो कर देंगे, हम ईमेल वेरिफिकेशन करवा देंगे। और वो कब तक के लिए होगा? सिर्फ 1 टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट चाहेगा तो फिर से चार्ज करके वो हो जाएगा, बट क्या वो लाइफ टाइम सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो जो आपका ऑनलाइन शो हो रहा है वो लाइफ टाइम मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 12 दिन में वो हट जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी ये है कि मार्कशीट आप ले लेते हैं, मार्कशीट लेने के बाद आपको 3 साल 4 साल 5 साल बाद पता लगता है कि वहाँ से जो आपने किया था पूरी तरह से फ्रॉड है। फिर इसके बाद भी बात करते हैं कि चलिए आपने ले भी लिया है किसी भी जुगाड़ लगाकर, अगर आपने उसको कहीं डिपार्टमेंट में लगा दिया और वहाँ से अगर 10 साल बाद भी पता लगता है कि आपने इस तरीके से कोई कोर्स किया था तो वो 100% फेक माना जाएगा। तो जो मेरा थंबनेल है 100% जेन्युइन बैकडेट डिग्री, तो ये एक्चुअली इसी वजह से है क्योंकि जब आप लोग भी मेरे को जो कॉल करते हैं तो कॉल करना नहीं, एक्चुअली वो एक तरह से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं हाँ बोल दूँ जिससे कि वो उस बैकडेट डिग्री को ले ले। बट जो एक स्टूडेंट है, मान के चलिए कोई BSc कर रहा है या BA कर रहा है जो नॉर्मल 3 साल में जाकर प्रॉपर वे में कर रहा है, तो उसी चीज़ को आपको एक तरह से कोई बोलता है कि हाँ आप जाइए पैसे दीजिए और मार्कशीट ले लीजिए, तो क्या उन दोनों में कोई कंपेयर ही नहीं है? या फिर आप बोलते हैं, अधिकतर कॉल्स भी ऐसी आती हैं, सर मैं सरकारी जॉब में लगाने जा रहा हूँ और सरकारी जॉब में वहाँ पर चल जाएगी क्या? तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर हो सकता है आपको बुरा लगे, बट जो इंसान अगर अपना ग्रेजुएशन ही आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद भी फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और भी स्टेप बाई स्टेप होते हैं, क्या आप वो क्लियर कर सकते हैं? कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाँ आप जाएंगे सीधा आपको डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म के बाद आपका फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे फिर आपका
जो है इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अटक ही जाएंगे 100%। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको कोई बैकडेट डिग्री के बारे में बात करता है कि हाँ मैं 2022 पास आउट आपको दे दूंगा, मैं आपको 2021 दे दूंगा, मैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से दे दूंगा, आप वेरीफिकेशन करवा सकते हैं, तो आप सिंपल सा एक चीज़ करिए कि चलिए ठीक है सर, सिंपल आप वेरीफिकेशन करवा सकते हैं बट यूनिवर्सिटी आप मेरे साथ चलेंगे। और वहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है, और कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कोई बैकडेट डिग्री की बात करता है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो पेमेंट होगा ही नहीं, या फिर आप अगर बैकडेट डिग्री ले भी लेते हैं तो जो आपने डिग्री ली है बैकडेट की या मार्कशीट आपने ली है, डिग्री या प्रोविजनल, आप खुद से वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक बार अप्लाई कर दीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो कितनी जेन्युइन है और कितनी फेक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।